चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों पर और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के पर अध्ययन के परिणाम स्वरूप हमने ये देखा था कि भारत में सरकार जो कि ब्रिटिश सरकार भारत में अपना शासन कर रही थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की सरकार ने शासन किया भारत पर, इन दोनों के और ब्राह्मण तथा उच्च जातियों के द्वारा दोनों के द्वारा विकसित किए गए कुरीतियों कुप्रथाओं धार्मिक अन्याय इत्यादि के दायरे में आई निम्न जातियां एवं समाज की विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं जो कि समाज को एक ऐसे अविरल ढांचे में लेकर के जा रही थी जिसके भविष्य की जो तस्वीर बनती वो काफ़ी भयानक होती। तो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारकों के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिसके द्वारा समाज में ऐसी कुप्रथाओं ऐसे विभिन्न प्रकार के अन्यायों के प्रति आवाज़ उठी और उस आवाज़ के परिणाम स्वरूप सामाजिक एवं धार्मिक रूप से व्यक्ति के जीवन बेहतर होने लगे। इसके साथ ही साथ देखिए कुछ तो ऐसी कुप्रथाएं थी जो कि वर्ग विशेष पर हावी थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तो उच्च वर्ग ऊँचे बने हुए थे, समाज के उच्च प्रकार की जितने भी संस्थाएं थी उच्च प्रकार के जितने उपभोग की वस्तुएं थी इत्यादि पर सीधे तौर पे उनका नियंत्रण था, निम्न जाति के लोग दबे कुचले एवं नीचे दबे हुए थे, उच्च वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके दायरे में या जिसकी चपेट में, जैसे ऐसे समझें कि कुछ सामाजिक कुप्रथाएं और कुछ धार्मिक कुप्रथाएं जिसमें निम्न वर्ग के साथ साथ उच्च वर्ग सभी वर्ग उसमें घिसे पीटे चले जा रहे थे और एक समाज की बुराई के रूप में वे परिलक्षित हो रहे थे। तो आज की हमारी चर्चा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या क्या वास्तव में बदला या किसको किस क्षेत्र में वास्तव में सुधार का प्रयास किया गया, इस पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए आज हम बात करेंगे आपसे टीजीटी हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 26 पर, जो कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की कड़ी का ये पार्ट 5 होगा। और यहाँ पे चैप्टर का नाम होगा सामाजिक कुप्रथाएं व उस पर लगाए गए अंकुश, सामाजिक कुप्रथाएं और उस पर लगाए गए अंकुश। तो चलिए साहब हम देखते हैं आज के इस टॉपिक को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम पे यहाँ पे आप ध्यान देंगे लिखा हुआ शब्द कि बाल हत्या। बाल हत्या से सीधे तौर पे तात्पर्य है कि समाज में यह प्रथा अर्थात बाल हत्या काफी व्यापक पैमाने पर प्रचलित थी। व्यापक पैमाने पर प्रचलित होने का सीधे तौर पे तात्पर्य है कि बालक को जन्म से पूर्व और जन्म देने के बाद उनकी हत्या कर दिया जाना। उसके पीछे कारण क्या था कि जैसे जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो उनको या एक से अधिक और विभिन्न प्रकार के ऐसे कारण थे जिसके माध्यम से यहाँ पे बाल हत्या शुरू थी। तो इस बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाने का सर्वप्रथम श्रेय ब्रिटिश सरकार को जाता है और ऐसे समझे कि समाप्त करने का पूर्णतः जो कि श्रेय है वह ब्रिटिश सरकार को जाता है। इस ब्रिटिश सरकार ने 1802 में उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम है लॉर्ड वेलेजली ने अधिनियम 45 पारित करके बाल हत्या को क्या कर दिया, निषेध कर दिया और निषेध करके समाज की इस कुप्रथा को समाप्त करने का व्यापक तौर पर प्रयास किया गया। तो साहब बाल हत्या पे आपने चर्चा किया, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सती प्रथा को।
तो सती प्रथा वास्तव में क्या था, ये आपने पहले की वीडियो पे चर्चा करके हमने आपको बताया है। शॉर्ट में आप ऐसे समझें कि सती प्रथा से सीधे तौर पे तात्पर्य है कि अपने मृत पति की चिताओं पर या अपने मृत पति की जलती चिता में कूदकर जीवित पत्नी का जान देना। अब आप सुनकर ही ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि ये कितनी बड़ी कुप्रथा थी कि कोई जीवित महिला है या कोई जीवित पत्नी है और उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी जलती चिता में उसे कूद करके जान देने के लिए प्रेरित करने वाली प्रथाएं यहाँ इस समाज में चल रही थी, जिसको किस नाम से जाना गया, सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा पर सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंकुश लगाया गया और बताया गया कि यह समाज की एक बुराई है, समाज की यह एक कुप्रथा है जिस पर अंकुश लगना चाहिए, और उसने हर संभव इस पर प्रयास किया। इसके साथ ही साथ जो सबसे अग्रणी प्रयास किया गया इस सती प्रथा पर बैन करने का या इस पर अंकुश लगाने का, उसमें सबसे अग्रणी नाम आता है राजा राम मोहन राय का, जिनको आपने ब्रह्म समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यापक तौर पे जाना था। यहाँ पे एक पत्रिका का भी संपादन किया गया, संवाद कौमुदी, जिसपे सती प्रथा के खिलाफ या सती प्रथा के प्रति नकारात्मक रवैये पर विस्तार से चर्चाएं होती थी। इसके साथ ही साथ 1843 ईस्वी में एक अधिनियम 17 पारित करके इसे पूर्णतः बैन कर दिया गया, और इसे बैन करने का श्रेय विलियम बेंटिक साहब को जाता है, जो कि भारत में गवर्नर जनरल थे। सॉरी, इसके अगले क्रम में यदि हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान देंगे दास प्रथा के बारे में, और यहां पे दास प्रथा को सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो दास प्रथा से सीधे तौर पे तात्पर्य है, या ऐसे समझें, अच्छा, दास प्रथा समाज की एक नकारात्मक प्रथा थी, और दास प्रथा को सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि किसी को उसका उचित पारिश्रमिक दिए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से काम कराना या उसे इस प्रकार से काम में संलिप्त रखना जिसके प्रति वह चाह कर भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं कर पाए, दास प्रथा के अंतर्गत आती है। यहाँ पे इसमें इसके तहत मजदूरों के शोषण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, और यह प्रतिबंध 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 पारित करके इसे पूर्णतः बैन करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया दास प्रथा को। नेक्स्ट क्रम पे आते हैं, और यहाँ पर ध्यान देंगे आप विधवा पुनर्विवाह। यहाँ पे हमने आपको विस्तार से इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि विधवा पुनर्विवाह अर्थात समाज की कोई भी महिला की यदि पति मर जाता है और वह यदि सती प्रथा से बच गई तो उसको आजीवन विवाह करने का अधिकार नहीं प्राप्त था, वह उसको जीवन भर अकेले जीवन यापन करना पड़ता था। तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को लेकर के या विधवाओं का पुनः विवाह हो, इस पर व्यापक रूप से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया, और विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक व्यापक तौर पे नाम भी आता है। यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अलावा लॉर्ड डलहौजी साहब के माध्यम से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, जो कि विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। और यहाँ पर अब धीरे धीरे इन प्रयासों के माध्यम से विधवाओं के पुनः विवाह होने प्रारंभ हुए और इनको भी समाज में एक उचित स्थान मिलना प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण डेटा बता दें कि पहला विधवा विवाह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही देखरेख में संपन्न किया गया, इस कारण इन्हें विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र का एक अग्रणी व्यक्ति माना जाता है। आगे आएंगे और ध्यान देंगे
बाल विवाह। चूंकि साहब देखिए, बाल विवाह समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति और ऐसे समझिएगा कि एक बहुत बड़ी खामी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बाल विवाह प्रतिबंध करने के तौर पे एक उसकी सबसे बड़ी कमी जो या सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई है वो आज के समय में एक सामाजिक बुराई के तौर पे जाने जाने वाला बलात्कार है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे देखें कि उससे भी बड़ी एक अंधकारमय तरीके से जो चल रही थी बाल विवाह की बातें, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल विवाह के समय बालक एवं बालिका की आयु बहुत ही कम, ऐसे समझे कि 7-8 वर्ष, 5-6 वर्ष, 9-10 वर्ष की लड़की और उसी उम्र के लड़के से विवाह कर दिया जाता था। इस समय में अनमैच्योर लड़का अर्थात अपरिपक्व लड़की और अपरिपक्व लड़का होता था, और इन दोनों के अपरिपक्व होने से सबसे पहले तो यहाँ पे इनके विवाह होने पर इन्हें कुपोषण और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समाज की बुराई होती थी कि इनसे उत्पन्न होने वाला बच्चा अधिकतर कुपोषित, मानसिक रूप से विकृत इत्यादि पैदा होता था, और ये समाज के प्रति एक बुराई बनी हुई थी। तो यहाँ पे बाल विवाह को निषेध करने के लिए और इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन साहब के द्वारा किया गया, जिन्होंने ब्रह्मा मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट को पारित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसमें बालक एवं बालिका के न्यूनतम उम्र की यहाँ पे समय सीमा निर्धारित की गई। ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि लड़के का उम्र जो था वह यहाँ पे सर्वप्रथम 18 वर्ष या 18 साल रखा गया, और लड़की का उम्र रखा गया कितना, 14 साल। तो यहाँ पे ब्रह्मा मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट के माध्यम से अब लड़के का उम्र 18 साल निम्नतम कर दिया गया और लड़की का उम्र 14 साल निम्नतम किया गया, कि इससे नीचे के लड़के और लड़कियों का विवाह किसी भी संदर्भ में नहीं किया जाएगा। यदि किया जाता है तो वह बाल विवाह अपराध की श्रेणी में होगा और ऐसे विवाह को तत्कालीन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे माँ बाप को दंडित भी किया जाएगा। और इसी मैरिज एक्ट के माध्यम से बहुविवाह, जो कि उस समय की समाज की एक बहुत बड़ी बुराई बनी हुई थी, बहुविवाह को भी प्रतिबंधित किया गया कि एक व्यक्ति, अब चूंकि देखिए ये परिप्रेक्ष्य बहुत कुछ हिंदू धर्म के प्रति था, क्योंकि कुछ धर्म जो मान्यता देते हैं यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो बहुविवाह एक कुप्रथा थी उसको भी यहाँ पे इसको वर्जित कर दिया गया या इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि शारदा अधिनियम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कब, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा जी के द्वारा शारदा अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे विवाह के लिए उम्र में पुनः यहाँ पर देखिए निर्धारित किया गया कि लड़के का उम्र कितना होगा, 18 वर्ष, और लड़की का उम्र कितना होगा, 14 वर्ष। इसके द्वारा ही यहाँ पे जो एक्ट पारित हुआ उसको हम किस अधिनियम के नाम से जानते हैं, शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ ही साथ ध्यान देंगे कि 1978 में एक और यहाँ पर कानून बना जिसको बाल विवाह निषेध कानून कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय तक मान्य है। इस बाल विवाह निषेध कानून में लड़के के की वैवाहिक उम्र 21 वर्ष रखी गई और लड़की का वैवाहिक उम्र 18 वर्ष किया गया, और यहाँ पर इसे कम उम्र के लड़के और लड़कियों के विवाह को अवैध घोषित किया गया और पुनः उन्हीं सभी मान्यताओं को रखा गया। तो यहाँ पर हमने आपसे बातचीत किया सामाजिक कुप्रथाएं और उस पर लगाए गए अंकुश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस वीडियो के साथ ही हमने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों पर अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूरा किया, और साथ ही साथ कुछ जो महत्वपूर्ण नए आयाम होंगे आपको प्रैक्टिस के माध्यम से इससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए जाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।